स्वागत है दोस्तों आज आपका एक और नए व्लॉग में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं एलवा माता मंदिर, जो कि डुंगला में स्थित है। डुंगला तहसील का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यह। यहाँ अभी नवरात्रि के समय काफी श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है, जो कि अहिर समाज द्वारा बनवाया गया है। आगे मंदिर है, जहाँ पर हम आपको जाके बता रहे हैं। यह एलवा माता का मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला तहसील में स्थित है। डुंगला से 3 किलोमीटर दूर बड़ी सादड़ी रोड पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से यह लगभग 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण ऋषभदेव जी के नाम पर किया जा रहा था, लेकिन माता जी स्वयं प्रकट हो जाती हैं। इसका भी एक कारण है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। यह लगभग 3000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। कहते हैं माता एलवा ने कानोर के एक जैन परिवार को 2 पत्थर दिए और वो सोने के हो गए और कहा कि 1 पत्थर तेरे घर के लिए काम लेना और दूसरा मेरे मंदिर का निर्माण करवाना। जैन परिवार ने मंदिर का तो निर्माण करा दिया, पर बाद में वो ऋषभदेव की स्थापना करने वाले थे, लेकिन माता एलवा स्वयं प्रकट हो गई थी और यहाँ पर विराजित हो गई। तो अभी हम आ चुके हैं एलवा माता जी, जो कि क्षेत्र का बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है, डोंगला तहसील में। यहाँ पर मंदिर का अंदर का दृश्य है और ये यहाँ के पापा जी हैं और ये यहाँ सामने धूनी बनी हुई है और यहाँ पर हनुमान जी के एक छोटा मंदिर भी है, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापना कर रखी है और ये माता जी हैं। यहाँ पर महादेव जी की छोटा मंदिर भी है, ये नंदी इनके पास में है। अभी हमने एलवा माता जी के दर्शन कर लिए और मैं यहाँ पर पहली बार आया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का मंदिर देखकर, यहाँ की व्यवस्था और पुजारी जी भी काफ़ी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है और अभी नवरात्रा भी चल रही है तो काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। आज का हमारा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।